यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज ये पार्ट टू होने वाला लाइव स्ट्रीम के ऊपर मेरा, तो आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर वो देख लो। एंड ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको दो मिनट में, सिर्फ आप दो मिनट में आप अपने जो फेवरेट यूट्यूबर है जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, कैलिमिनाटी, स्काउट, डायनेमो, सोल मॉडल, जो भी हो, आप उसकी तरह लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वो भी फ्री में, मतलब दो मिनट में गाइज, समझ लो दो मिनट में। तो ये वीडियो पूरा देखना, वो वाला सीक्रेट जो मैं लास्ट में बताऊंगा। एंड अभी मैं बताऊंगा कि अपना स्ट्रीमलेस ओबीएस को जो है आप कैसे लेके जा सकते हो, स्ट्रीमलेस ओबीएस की थीम्स को ओबीएस में कैसे लेके जा सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है क्रोम पे, फटाफट से मैं चलता हूँ क्रोम पे। एंड क्रोम पे आपको जो सर्च करना है, कोई सा भी ब्राउजर हो, आप वहाँ पे जाकर सर्च करना है streamlabs.com। तो streamlabs.com सर्च करने के बाद मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, तो आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे जाकर सर्च भी कर सकते हो। तो ये वाला ऐसा मतलब आपका पेज खुल के आ जाएगा। इसके बाद आपको जो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, या फिर अगर आपको डाउनलोड करने का मन नहीं है तो आप ऊपर जो लॉगिन का दिख रहा है बटन, वहाँ पे से भी आप ये सारा काम कर सकते हो। दोनों का इंटरफेस एकदम सेम होने वाला है। तो मेरे पास पहले से डाउनलोड, मैं डाउनलोड वाला मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लॉगिन कैसे करना है। तो ऊपर लॉगिन का आपको जो दिख रहा है आइकन, आपको उस पर क्लिक करना है, सिंपल एकदम मतलब छुट्टू सा क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा तीन तीन ऑप्शन, एक ट्विच का, एक यूट्यूब का, एक फेसबुक का। तो गाइज यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो यूट्यूब का ही लाइव करने वाले हैं। तो जो भी आपको जो भी लाइव करना है ना, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, साइन इन कर लेना है, बस बात खत्म। एंड उसके बाद जो इंटरफेस है सब मैं आपको अपने एप्लीकेशन पे जाकर दिखा रहा हूँ। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है स्ट्रीमलैब्स ओबीएस, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला सॉफ्टवेयर। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ से भी काम कर सकते हो, दोनों में काम होगा, ऐसा नहीं है कि एक में नहीं होगा। मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ इसको। एंड गाइज ये जो वीडियो है ना, मतलब सिर्फ दो मिनट में आप इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ दो मिनट में बना सकते हो, मतलब कमाल का प्रोफेशनल तरीके का लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। ये तो आपको बताने में मुझे नौ मिनट लग गए थे, तो बस मेरे लिए तो एक मिनट में बन जाएगा। सो गाइज इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप पहली बार स्ट्रीमलैब्स ओबीएस के बारे में नाम सुने हो ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लाइव कर सकते हो। अगर आप ओबीएस से भी लाइव कर रहे हो, यहाँ से भी डायरेक्ट लाइव कर सकते हो, यहाँ से सबको एडजस्ट करना है। इसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको प्रोफेशनल तरीके से कैसे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अभी देखो मैं क्या बताऊँ, यहाँ से जो नीचे गो लाइव का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपल ही कुछ नहीं करना है, आपको गो लाइव को करना है। आप यहाँ से भी गो लाइव जा सकते हो, लेकिन मैं अभी बताऊँगा कि ये ओबीएस स्टूडियो, अगर आप ओबीएस स्टूडियो यूज़ करते हो तो इसमें आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पे कैसे लेके जाना है। उसके लिए क्या करना, आपको ऊपर दिख रहा होगा थीम्स का ऑप्शन, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है थर्ड नंबर पे थीम्स का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करते ही गाइज यहाँ पे आपको मतलब देखो इतने सारे थीम मिल गए गाइज, मतलब कतई जहर वाले थीम। लेकिन इसमें कुछ पेड है, कुछ फ्री है, तो वो फ्री वाला कैसे मिलेगा मैं अभी आपको सब बता रहा हूँ, टेंशन मतलब। गाइज यहाँ पे देख सो, मतलब ये सब फ्री में मिलेगा, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, सब बना बनाया मिलेगा, आपको सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एकदम से यहाँ पे देख सकते हो जैसे भी जो भी आपको चाहिए यहाँ पे, बहुत कमाल कमाल का, लेकिन ये सब पेड है, आपको फ्री वाला कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो जो भी मतलब जितने भी थीम है उसके नीचे में लेके जाओगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा येलो बन के आएगा, इंस्टॉल सीन थीम पे लिख रहा है, एंड यहाँ पे येलो बन के आ रहा है क्योंकि ये पेड वाला है, जो प्राइम लेगा उसके लिए। अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज फ्री में भी बहुत अच्छे अच्छे, मैं फ्री वाला यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। उसके लिए आप फ्री वाले के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप फ्री कैसे कर सकते हो। फ्री के लिए आपको क्या करना है, ऊपर सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे सिंपली सर्च पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिख देना है फ्री, या फिर अगर आप कोई और नाम जानते हो तो मैं वो बता दूंगा, एक जो मैं यूज़ करता हूँ उसका लास्ट में नाम बता दूंगा कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। यहाँ पे फ्री जैसे ही लिखोगे गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ये सब थीम आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एंड बहुत ही कमाल कमाल का है गाइज, एंड एनिमेटेड भी है, कुछ कुछ एनिमेटेड नहीं भी है। ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्रीन, देखो ये वाला जो है इंस्टॉल सीन थीम, अभी किसी के भी ऊपर लेके जाओगे ना तो नीचे में इंस्टॉल सीन थीम के नीचे आपको थोड़ा सा ग्रीन दिखेगा, येलो वाला नहीं दिखेगा। ये सब फ्री है, ये सब आपके लिए फ्री है, मतलब आप यहाँ पे सिंपली कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऊपर एनिमेटेड, जिस जिसमें एनिमेटेड लिख के आ रहा है वो एनिमेशन होगा, एंड जिसमें नहीं लिख के आ रहा है एनिमेटेड उसमें एनिमेशन नहीं होगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और भी बहुत सारे, इतना नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा थीम्स है। अभी यहाँ पे देखो अभी कितने थीम्स है, पहले ये तो मैं पहले पेज में हूँ ना, इसका पूरा 16 पेज है, इसमें से बहुत ज़्यादा आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये वाला एनिमेटेड है, ऊपर एनिमेटेड लिख के आ रहा है, यहाँ से मतलब ये एनिमेशन ऐसा इसका होगा कुछ बहुत ही कमाल का। मैं अभी जो है ये वाला यूज़ करता था रिसेंटली, रंस कैप वाला, लेकिन अभी मैं ये वाला बंद कर दिया, मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया अपलिंक, मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको, उसी के बारे में ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने न्यू वाला लगाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, मैं डेली लाइव आता हूँ 8 बजे, अगर चाहते हो तो खेल भी सकते हो मेरे साथ।
सो गाइज यहाँ पे मैं अभी सर्च कर लेता हूँ अपलिंक, एंड ये वाला मैं आपको अभी OBS में लेके जाके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अपलिंक वाला आ चुका है, अपलिंक जैसे सर्च किया, एंड ये वाला जो फ्री है, एकदम फ्री है। यहाँ पे आपको नीचे इंस्टॉल सीन थीम का दिख रहा है, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल थीम आएगा, इंस्टॉल थीम आएगा, इंस्टॉल थीम पे आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे इंस्टॉल थीम पे क्लिक करोगे गाइस, उसके बाद आपको डायरेक्ट, मतलब क्या बोलूँ, एकदम जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया इसको, आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो जैसे ही ऐसा इंटरफेस आएगा गाइस आपका, एकदम मतलब ऐसा कमाल का इंटरफेस। यहाँ पे जो ऊपर मेरा नाम दिख क्या रहा है, मैंने गेमिंग विथ एसके मैंने ये सब सेट किया है गाइस। ये सब सिर्फ आपको नाम लिखना है, ये सब बैकग्राउंड, ये सब थीम आपको सब फ्री में मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम चेंज करना है, वो कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मतलब सेकंड में हो जाएगा गाइस, सेकंड में। आपको क्या करना, जो ऊपर में नाम लिख क्या रहा था जहाँ पे मेरा गेमिंग विथ एसके, आपको उस पर डबल क्लिक करना है। नीचे जो क्लिक आएगा, नीचे जो योर नेम वाला वहाँ दिखेगा, आपको उस पर डबल क्लिक कर देना है जैसा मैं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ योर नेम, ठीक है। फटाफट से मैंने यहाँ पे लिख दिया योर नेम एंड डन। बस यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे योर नेम लिख के आ गया ऊपर में। आपको क्या करना है, ऊपर जो भी आपको चेंज करना है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग चेंज करना है, आपको उस पर एक बार क्लिक करना है। एंड नीचे जो आएगा नाम सब सीन के अंदर, वो देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो आप, अगर आपको कोई भी डाउट होना तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बहुत ही जल्दी दे दूंगा, मतलब 12 घंटे के अंदर सबका रिप्लाई दे दूंगा गाइस। जो भी आप जब भी कमेंट करोगे आपका 12 घंटे के अंदर अंदर आपका रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी अगर आप चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस देखो यहाँ पे जो गेमिंग विथ एसके, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। मैं अभी फटाफट से पहले वाला गेमिंग विथ एसके लिख दे रहा हूँ, एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग यहाँ पे लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप उसको भी चेंज कर सकते हो। एक बार क्लिक करो, देखो नीचे आ रहा है कस्टम टेक्स्ट, आप उसको डबल क्लिक करो एंड वहाँ पे जाके आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, स्ट्रीम स्टार्टिंग का, सॉरी गाइस स्ट्रीम स्टार्टिंग जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे यूट्यूब का लिंक, उसके बाद आपका ट्विटर या फिर डिस्कॉर्ड, जो भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, सब पे क्लिक कर करके स्ट्रीम एंडिंग। गाइस देखो जब स्ट्रीम एंडिंग होने वाली हो तो आपको जो इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये अपलिंक वाला लेफ्ट साइड में जो सीन, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। एंड वैसा ही देखो एनिमेशन गाइस, भाई साहब एनिमेशन देखो गाइस, जब आप कहीं खाना पानी कुछ भी करने जाते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्ट्रीम अगर रोकना हो तो यहाँ पे बी राइट बैक वाला एनिमेशन लगा सकते हो, एंड पीछे साउंड भी लगा सकते हो। सब फर्स्ट वाला वीडियो देखना, अगर आपको साउंड लगाना नहीं आता है तो फर्स्ट वाले का जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एंड यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करने वाला, ये हॉरिजेंटल वाला यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे ये ये जो है मतलब वर्टिकल वाला यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सबको मैं अभी गाइज यहाँ पे हमारा जो पूरा सेटअप है यहाँ पे हो चुका है रेडी, एंड इसको अभी मैं लेके जाने वाला हूँ OBS स्टूडियो में। अभी कैसे OBS स्टूडियो में, जो OBS स्टूडियो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहीं से लाइव जाएं तो नीचे गो लाइव पे क्लिक करोगे, आप सिंपल डायरेक्ट गो लाइव करोगे एंड आपका यहाँ से लाइव हो जाएगा। लेकिन मैं अभी OBS स्टूडियो में आपको लेके जाकर दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना, आपको OBS स्टूडियो ऑन करना है, एंड उसके बाद ऊपर जाना है सीन कलेक्शन में। सीन कलेक्शन में जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको इम्पोर्ट पे आना है, देख सकते हो मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जाना सीन कलेक्शन में, फिर जाना इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने सर्च किया, जैसे मैंने अपलिंक वाला किया था, यहाँ पे देख सकते हो अपलिंक वाला दिख रहा होगा आपको, आपके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आएगा यहाँ पे, जो आपके बैकग्राउंड चल रहा है यहाँ पे अपलिंक आएगा। अपलिंक पे ऐसे ब्लू टिक लगाना है आपको, एंड नीचे इंपोर्ट पे क्लिक कर देना। बूम गाइस, बस आपका हो गया, यहाँ पे आ गया है आपके OBS स्टूडियो में। लेकिन अभी आप पूछोगे कि कहाँ आया, नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो रुको गाइस एक मिनट, अभी दोबारा से अभी आपका आ चुका है, लेकिन आपको कैसे विजिबल होगा वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। दोबारा से जाना है सन सीन कलेक्शन पे, एंड गाइस देखो सबसे नीचे आपका यहाँ पे अपलिंक आ चुका है, एंड ये अपलिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बस एक क्लिक करना है सिंपली। बस जैसे मैंने क्लिक किया गाइस, देख सकते हो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो स्ट्रीमलेस वाला था थीम, वो पूरा का पूरा गाइस यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे से आप सब आ गए हैं, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग एंडिंग, मतलब कुछ भी। एंड यहाँ पे जो गाइस देख सकते हो आपका नाम जो है वो नहीं शो कर रहा, क्योंकि ये जो राजधानी वाला जो फॉन्ट है ना वो मेरे में डाउनलोड नहीं है। आपको क्या करना, फॉन्ट सबका चेंज कर देना है। तो मैं फटाफट से आपको सबका फॉन्ट चेंज करके बताता हूँ, वो कैसे करना है वो भी देख लो वीडियो में। आपको क्या करना है कि जैसे ट्विटर है, ट्विटर उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, उसको थंबनेल मतलब जो फॉन्ट है इधर राइट साइड में ऊपर देख सकते हो सिलेक्ट फॉन्ट, वहाँ पे जाके आपको फॉन्ट चेंज कर देना, कोई सा भी लगा दो, राजधानी वाला हटा दो, क्योंकि अगर आपको मैं डाउनलोड नहीं होगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पे मेरे में डाउनलोड नहीं है इसलिए मेरे में शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सबका कर देता हूँ, ये 16 गुना मैंने कर दिया है गाइस, ये मैं समझना कि इतना फास्ट कैसे करता हूँ, मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया यहाँ पे। तो फटाफट से होने देते हैं यहाँ पे गाइस, देखते हैं यहाँ मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप हो चुका है, एंड बूम गाइस देखते हो हमारा जो सेटअप है पूरा का पूरा रेडी है। स्ट्रीम एंडिंग, स्ट्रीम स्टार्टिंग गाइस देख सकते हो बहुत ही भयंकर है। एंड अभी मैं गेम वाला भी आपको ले जाकर दिखाता हूँ कि इन गेम वाला जो है आपका कैसा दिखेगा, ठीक है। मैं अभी एक एक करके आप सब देखो, यहाँ पे प्राइवेट बातें मैंने लिखा है, जो मतलब अगर आपका गेम बंद हो रहा है या रिस्टार्ट कर रहे हो उसके लिए, ठीक है आप यहाँ से। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।